कोडिंग अ वे टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर। आपको कोडिंग करनी है तो फिर आपको सबसे पहले चाहिए एक कोड एडिटर। मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है पर्सनली VS Code, क्योंकि उसमें एक इमेट है, मतलब एक AI है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड वो है जैसे आप YouTube खोलते हो तो फिर YouTube में क्या होता है, YouTube कैसा दिखता है, इसका मतलब है फ्रंट एंड। बैक एंड मतलब जैसे कि आप कोई सब्सक्राइब करते हो तो फिर वो सेव हो जाता है बैक एंड में। Assalamualaikum friends, मेरा नाम खिजर याकूब है और मेरी एज 7 years है। I am a front end developer, मैं Prep 2 में पढ़ता हूँ। और guys, मैंने HTML और CSS Techforce पाकिस्तान से सीखा है, उसकी मदद से मैंने ये वेबसाइट बनाई है। देखो ये मैंने पिक्चर्स बनाई है छोटी छोटी, और ये देखो कितना मस्त मस्त गोल गोल बनाए, और ये पजल्स हैं दो। और गाइस अभी ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, फिर मैं इसमें जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा तो फिर कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी पिक्चर, सोचो। और गाइस अभी तो सिर्फ मैंने HTML CSS सीखा है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, जावा सब कुछ बैकएंड में सीखने वाला हूँ। और गाइस ये देखो मैंने कितनी कोडिंग की है इसके लिए, ये मैंने दूसरी फाइल भी बनाई है, इसमें भी इतनी कोडिंग की है। और गाइस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर फुरकान का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। अगर सर फुरकान नहीं होते तो फिर मैं कभी भी HTML और CSS नहीं सीख पाता। और गाइस आज मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला है, बाय। कोडिंग कोई भी सीख सकता है, चाहे वो 7 साल का हो या फिर 70 साल का। अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं?